गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि जब वीडियो हम लोग को डला रहा है तो आप लोग अच्छा अनुभव करते होंगे। हम जानते हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रेगुलर डालिएगा तब ना सर। अरे बेटा ठीक है, रेगुलर भी डलाएगा, लेकिन हम रेगुलर के लिए तो प्रयासरत हैं। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा उस दिन आपको बोले हैं कि हम अपना लाइव क्लास शुरू कर देंगे, कोई टेंशन नहीं आपको। चलिए आप लोग को एक टॉपिक बताने जा रहे हैं, वो जुड़ा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था से। बहुत से लोग कहते हैं कि उदेश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, उनको पता नहीं चलता कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, लेकिन बोलते हैं, वो जरूर बोलते हैं, वो दूसरा को दिखा के बोलते हैं, दूसरा के सामने बनने के लिए बोलते भी, कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो आपको हम बता दें, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ोगे, भारतीय अर्थव्यवस्था तो ये होता क्या है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था कहाँ का, तो भारत का। अब हम पहले जाने कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो वो किसको कहते हैं, ये बात को समझिए। इसमें अर्थ का व्यवस्था होता है, अर्थ का इंतजाम होता है। अर्थ माने धन, अर्थ माने बेटा होता है धन, राशि, रुपया। अब व्यवस्था तो समझबे करते हैं आप, इसमें अर्थ का व्यवस्था होता है यानी धन का व्यवस्था होता है, धनेंगे और उसके लिए जो उपाय करना पड़े। होता क्या है, एक चीज और बता दें आपको हम, कि आपको कोई खास क्षेत्र में, और क्लियर कर दें आपको हम, ये समझिएगा अर्थव्यवस्था माने धन की व्यवस्था कैसे होगा, ये बात समझिएगा। आप सोचिए आपके पास धन कब आएगा, जब उसके अनुसार कुछ काम करेंगे। जैसे हम अर्थ के व्यवस्था के लिए कोचिंग चला रहे हैं, दे देंगे, या नौकरी कर रहा को आदमी कुछ काम करता है तो धन की व्यवस्था के लिए, धन के इंतजाम के लिए, तो उससे जुड़ा हुआ है, बात को समझेंगे। तो रियल में अर्थव्यवस्था का परिभाषा कैसे देंगे आप, ऐसे तो जान रहे हैं आप, तो आपको बता दें, आपको हम बता दें, क्लियर कर दें कि कोई खास क्षेत्र में, कोई खास क्षेत्र मान लो कि जैसे हम ले लेते हैं, ये पूरा इंडिया मान लो, ये पूरा इंडिया है, पूरा इंडिया में आपका एक राज है, पूरा इंडिया है, भारत है, भारत में एक राज है बिहार, ठीक है, भारत में एक राज कौन है, बिहार। ऐसे तो यहाँ पर यूपी भी है, एमपी भी है, डॉट डॉट और पी भी है, नहीं, भारत में कई स्टेट हैं। हम एक खास क्षेत्र ले रहे हैं, खास क्षेत्र में हम बिहार को ले रहे हैं, झारखंड भी ले सकते हैं आप, एक खास क्षेत्र में। कहता है बेटा किसी खास क्षेत्र में आपको जितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, किसी खास क्षेत्र में जितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, देंगे उन आर्थिक क्रियाओं को देंगे उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब क्लियर कर रहे हैं आपको, देंगे आर्थिक क्रिया क्या है, वो नया टर्म बोल दिया यहां पर, आर्थिक क्रिया, क्रिया माने जो हम लोग काम करते हैं वही क्रिया है, यहां पर समझेंगे, देंगे क्लियर है। आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं, यहां क्रिया माने काम समझिएगा, इन्हें कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया समझ जाए यहां पर, और अर्थ निकालने लगे आप, देंगे आर्थिक क्रिया, देंगे अर्थ का मतलब धन से है, जान जाइए अर्थ का मतलब किससे है, धन से। तो वैसा काम जिसको करने से आपको पैसा आता हो, वैसा काम जिसको करने से आपको पैसा आता हो उसको कहते हैं आर्थिक क्रिया। जिस काम को करने से आपको धन आता हो वैसे क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ, जैसे बेटा हम पढ़ाते हैं धन के लिए, तो ये मेरा ये भी एक काम है पढ़ाना, तो ये आर्थिक क्रिया है। कोई सब्जी बेचता है या बेचती है, वो भी काम कर रही हैं पैसा के लिए, वो आर्थिक क्रिया है। कोई किराना दुकान खोल रखा हो, वो बेचता है सामान को इनकम के लिए, धन के लिए, वो आर्थिक क्रिया है। क्लियर, कोई चिनिया बादाम बेच रहा हो तो वो भी काम कर रहा है, किसके लिए, पैसा के लिए, तो काम कौन काम होगा, आर्थिक काम होगा, आर्थिक क्रिया होगी, तो आर्थिक क्रिया समझ गए। तो कहा जाता है बेटा किसी खास, आर्थिक क्रिया कई प्रकार के हो सकते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं लोग पैसा कमाने के लिए, वो जितना भी काम पैसा कमाने के लिए किया जाता है वो सब आर्थिक क्रिया है बेटा आपका। क्लियर, तो कहा जाता है बेटा कि एक क्षेत्र में जितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, जैसे हमारे बिहार एक क्षेत्र ले लिए, यहाँ पर कोई दुकान चला रहा है,
कोई दूध बेच रहा है, कोई कोचिंग खोले हुए है, कोई किराना दुकान खोले हुए है, कोई सब्जी बेच रहा है, और भी बहुत तरह की आर्थिक क्रिया होगी। तो एक क्षेत्र में जितने प्रकार की आर्थिक क्रिया है सबको मिलाकर उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहलाती है। सबको मिलाकर उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहलाती है, माने एक क्षेत्र में जितने प्रकार की आर्थिक क्रिया हो रही है सबको मिलाकर आपको अर्थ उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्लियर? अर्थव्यवस्था समझे? अब सोचो बेटा, जितना ज्यादा आर्थिक क्रिया होगी उतना ज्यादा इनकम होगा, जितने लोग काम करेंगे जितना ज्यादा आर्थिक क्रिया होगी उतना ही इनकम इस क्षेत्र का होगा। तो इन्हें कहने का मतलब हुआ कि आर्थिक क्रिया जब बढ़ेगी तो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, क्योंकि आर्थिक क्रिया को ही क्या कहते हैं, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहते हैं। सोचिएगा, जानेंगे अब यहां पर आपको कई तरह की आर्थिक क्रिया हो रही है, कोई खास क्षेत्र में होने वाली सभी प्रकार के आर्थिक क्रिया को सामूहिक रूप से उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहलाता है, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्लियर है? तो जितना ज्यादा आर्थिक क्रिया होगी जानेंगे उतना ज्यादा इनकम होगा, और जितना ज्यादा इनकम होगा उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था उतनी ही अच्छी होगी। जितना ज्यादा आर्थिक क्रिया होगा उतना ज्यादा धन आएगा, धन आएगा यहां की अर्थव्यवस्था क्या होगी, सुधरेगी। नहीं कहते हैं कि कोई देश की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है, माने सब अच्छा पैसा आता है वहां पर। चलिए अर्थव्यवस्था ये समझ गए आप, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, आर्थिक क्रिया भी समझ गए नहीं? अब देखेंगे, आपको क्लियर कर दें बेटा, आपको हम अर्थव्यवस्था समझ गए होंगे, किसी आपके गांव के भी अर्थव्यवस्था हो सकती है, आपके गांव में कि गांव भी एक खास क्षेत्र है, गांव में भी कुछ लोग कोई काम करते होंगे, कोई खेती करते हैं, कोई मिल चलाते हैं, कोई सब्जी बेचता है, ठीक है, कोई नौकरी करता है, कई तरह की आर्थिक क्रिया है। तो आपके गांव में जितना आर्थिक क्रिया हो रही है सबको सामूहिक रूप से आपके गांव की अर्थव्यवस्था कही जाएगी नहीं? तो अगर सब लोग काम करते हैं आपके यहाँ, ये तो निश्चित है काम करता लाभ के लिए, आपके गांव में जितना ज़्यादा आर्थिक क्रिया होगी आपके गांव की अर्थव्यवस्था उतना ही बेहतर होगी, उतना ही अच्छी होगी। क्लियर? चलिए अब देखेंगे, ये हो गया अर्थव्यवस्था, किसको कहे जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है ये क्या होता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बता रहे हैं आपको हम, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र किसको कहेंगे ये बात को समझिएगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जिससे इनकम हो, जिससे क्या हो, इनकम हो। जैसे कृषि, बड़ा समझो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसके मतलब अर्थ का व्यवस्था जिस क्षेत्र से होता हो, अर्थ का व्यवस्था मतलब इनकम, देखेंगे जिस क्षेत्र से होता है उस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे मेरा इनकम कोचिंग से हो रहा है तो मेरा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कोचिंग हो गया, ठीक है। तो गौर करेंगे तो मेरा कहने का मतलब बेटा, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को तीन भाग में बांटा गया है। देखेंगे एक को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, कौन क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। एक को बोला जाता है आपको द्वितीयक क्षेत्र, और एक को बोला जाता है आपको तृतीयक क्षेत्र। समझिएगा, आपको क्लियर हो गया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र किसको कहे समझे, जिस क्षेत्र से आपको इनकम होती हो उसको कहते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को तीन भागों में बांटी गई हैं, एक है प्राथमिक क्षेत्र, एक है द्वितीयक क्षेत्र, एक है तृतीयक क्षेत्र है। ध्यान देंगे तो अब देखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आएगा, क्वेश्चन पूछता है इसे, द्वितीयक क्षेत्र में कौन आएगा जिससे इनकम होता है, तृतीयक क्षेत्र में कौन होगा जिसमें आएगा जिससे इनकम होगा। तो हम क्लियर कर दें आपको, एक क्वेश्चन पूछता है कि कृषि किस क्षेत्र में आता है, या कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक में आता है। तो कितना अंदाजे मारेगा, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा। तो आपको हम क्लियर कर दें कि किसको कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा। तो सब में तो इनकम के स्रोत ही आएगा जिससे इनकम होता हो, जैसे कृषि भी इनकम का स्रोत है, वो भी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहलाएगा। जितने भी इनकम के सोर्स हैं जिससे इनकम होता है सब बेटा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, ठीक है। देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को तीन भाग में जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, अब आपको देखना है कि प्राथमिक क्षेत्र किसको कहेंगे।
आपको हम क्लियर कर दें, आपको प्राथमिक क्षेत्र किसको कहेंगे कि तो अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र या इनकम का वैसा क्षेत्र जिससे कच्चे माल की प्राप्ति होती हो। कच्चा माल समझते होंगे, जितने भी किसान उपजाते हैं सब कच्चा माल है बेटा आपका। देंगे पशुपालक जो दूध उत्पादन करते हैं वो दूध भी कच्चा पदार्थ है। कोयला खान से खदान से निकलती है वो कच्चा पदार्थ है। तो गौर करेंगे सबसे इनकम होती है, दूध से भी इनकम होती है, कोयला से भी इनकम होती है, आपको जो खेती बाड़ी होती है उससे भी इनकम होती है। तो अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जिससे कच्चे माल की प्राप्ति हो और उस कच्चे माल से इनकम किया जाता हो, तो अर्थव्यवस्था को वैसे क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। मैं समझे, तो अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र या इनकम का वैसा क्षेत्र जिससे कच्चे माल की प्राप्ति हो, वैसे क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। इसमें बेटा आता है आपको कृषि, कृषि क्षेत्र से जितना भी इनकम होता है, ये जितना कृषि क्षेत्र से कच्चा माल की उत्पादन होता है, कृषि क्षेत्र से कच्चा माल का उत्पादन हुआ, कच्चा माल को हम लोग बेचते हैं तो उसे इनकम करते हैं। कृषि क्षेत्र आपको ध्यान देंगे इसमें आ जाएगा पशुपालन, पशुपालन भी आपको, पशुपालन करने से दूध प्राप्ति होती है, दूध प्राप्त होगा तो उससे कच्चा माल है उससे भी इनकम होता है। आपको खनन, खनन तो कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन जो मछली पालते हैं ये सब आपको आता है, आपको इस सबसे कच्चा माल प्राप्त होता है इससे भी इनकम होता है। मतलब मछली पालने से इनकम नहीं होता है क्या? तो इसको रखा गया है बेटा आपको प्राथमिक क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। तो ये क्लियर हो गया कि आपको अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जिससे कच्चे माल की प्राप्ति हो, अर्थव्यवस्था को वैसे क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, जिसके तहत कृषि आते हैं, पशुपालन आते हैं, खनन आते हैं जो कोयला निकाला गया धरती के अंदर से कच्चा माल, मत्स्य पालन आते हैं। क्लियर? तो हम उम्मीद करते होंगे कि ये आप लोग समझ गए होंगे प्राथमिक क्षेत्र है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र है। खनन किस में आता है, तो प्राथमिक। मत्स्य पालन किस में आता है, तो प्राथमिक। पशुपालन किस में आता है, तो प्राथमिक। चलिए अब द्वितीयक क्षेत्र को समझेंगे। द्वितीयक क्षेत्र तो अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र या अर्थव्यवस्था का वैसा स्रोत जिसे इनकम होता है जिसमें कच्चे माल का प्रयोग हो। अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जिसमें कच्चे माल, यहां से जो कच्चा माल प्राप्त हुआ देंगे उसका प्रयोग हो। जैसे बेटा उद्योग, जितना भी उद्योग चल रहा है तो उद्योग में कोयला का प्रयोग होता है, तो कोयला कच्चा पदार्थ है, तो कोयला का प्रयोग किए कि नहीं उद्योग में? तो क्या बताया कि वैसा उद्योग से इनकम होता है, होता है। देंगे उद्योग एवं विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग। अब विनिर्माण उद्योग क्या होता है, जहां पर कोई चीज का निर्माण होता है, कोई वस्तु बनती है, जैसे डब्बे बनता है, कोई भी चीज बनता है, माने जाए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं इसको। बिस्किटे का उद्योग है, विनिर्माण उद्योग है, जहां कुछ बनता है। तो उद्योग एवं विनिर्माण उद्योग, जितने बिस्किट के फैक्ट्री में कच्चा माल का प्रयोग होता है कि नहीं, डालेंगे जैसे कहता है कि बिस्किट बनता है गेहूं के आटा से, तो गेहूं कहां से मिलेगा, गेहूं कच्चा माल हो गया, कच्चा माल किससे मिला, प्राथमिक क्षेत्र से। तो गौर करेंगे तो आप देखिए उद्योग खोलने से फायदा है कि नहीं बताइए आप, आपको जितना भी जहां माल का उत्पादन हो तो उससे फायदा है कि नहीं? तो जिससे फायदा होता है वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहलाएगा। अब ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें कच्चे माल का प्रयोग होता है, तो वैसा अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जिसमें कच्चे माल का प्रयोग होता है उसको द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। क्लियर? अब हम समझते हैं कि आपको पता चलना चाहिए बेटा आपको उद्योग एवं विनिर्माण उद्योग आपको द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इससे भी इनकम होती है। बात रहा तृतीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र में कौन आता है, जितना भी सेवा क्षेत्र है। अब सेवा का मतलब क्या था, किसी को पैर दबाना होता है क्या? नहीं, आपको सेवा कर करके जो इनकम की जाती है, जैसे हम आप लोग को पढ़ाते हैं, हम आप लोग को सेवा कर रहे हैं, देंगे सेवा करते हैं, उसके एवज में आप हमें इनकम देते हैं,
तो इस सब सेवा क्षेत्र से इनकम हुआ। बेटा ठेला चलाता है, वो ठेला चलाता है, आपको सेवा करता है, तब उसको भाड़ा देते हैं आप, ठीक है। आपको ध्यान देंगे, लस्सी पिलाने वाला है, आपको सेवा करता है, एकदम ग्लास व्लास धो करके एकदम डाल के पिलाता है आपको, वो सेवा करता है, तब उसके एवज में आप पैसा देते, वो इनकम करता है। तो इनकम का वैसा स्रोत जो ध्यान देंगे सेवा करने के पश्चात प्राप्त हुआ हो। अब सेवा का मतलब समझेगा, जो नौकरी कर रहे हैं वह सेवा कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, क्लियर है। देखेंगे कहते हैं वीडियो साहब नौकरी कर रहे हैं, वो जनता की सेवा करते हैं, किसी को राशन कार्ड बनवा रहे हैं, किसी को वृद्धा पेंशन बनवा रहे हैं, किसी को आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं जनता का, तब उनको सरकार पैसा देती है वेतन। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि सेवा क्षेत्र से जो इनकम हो रहा है वह तो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो गया, जो जिससे इनकम हो वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कितना भाग में बांटे, तीन भाग में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र है, ये दोनों का मतलब समझा दिए, बात रहा तृतीय क्षेत्र है। तो इनकम जो सेवा, जितने भी सेवा क्षेत्र हैं, मैंने सेवा कर करके जो इनकम होता है देंगे, वो किसके तहत आता है, तृतीय क्षेत्र में। जैसे आपको बैंकिंग आ जाएगा, बैंक में जितने भी नौकरी करने वाले हैं वह सेवा करते हैं जनता का, तब उनको सरकार वेतन देती है। बैंकिंग क्षेत्र है, बीमा क्षेत्र है, देंगे आपको परिवहन, जितना भी सरकारी विभाग है, परिवहन देंगे आपको, ये परिवहन, पर्यटन देंगे, जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले, हम कोचिंग संस्थानें खोले हुए हैं, कोचिंग संस्थान, आप बहुत तरह की बात ले सकते हैं, ये सब आ जाएगा किस क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र। तो इसको तृतीय क्षेत्र के तहत सेवा क्षेत्र आती है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र है। इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उद्योग आता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, दूसरा नाम तृतीय क्षेत्र का, द्वितीय का। और प्राथमिक क्षेत्र को कृषक क्षेत्र भी कहा जाता है, कृषक क्षेत्र है, कौन क्षेत्र है, कृषक क्षेत्र है। तो गौर करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या हुआ, कृषक क्षेत्र, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से कृषि को माना गया है। देखेंगे क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया कि जिस क्षेत्र से कच्चे माल की प्राप्ति होती है उसको प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया, और जिस क्षेत्र में कच्चे माल का यूज होता है उसको द्वितीय क्षेत्र में रखा गया, और सेवा करने के पश्चात जो इनकम होती है और वैसे इनकम के स्रोत को आपको तृतीय क्षेत्र में रखा गया, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बैंकिंग किसके तहत आता है, तो तृतीय कहेंगे। बीमा कंपनियां किसके तहत आता है, तो हम लोग कहेंगे तृतीय में आता है। उद्योग किसके तहत आता है, द्वितीय क्षेत्र के तहत आता है। खनन किसके तहत आता है, प्राथमिक के तहत आता है। कृषि किसके तहत आता है, तो प्राथमिक के तहत आता है, क्लियर। ए बेटा हुआ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है। अब हम कुछ अर्थव्यवस्था के प्रकार की चर्चा करते हैं आपको, हम ध्यान देंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार की चर्चा कर रहे हैं वो ध्यान देंगे। और जैसे आप लोग सुनोगे, आपको नाम सुनोगे, आपको बंद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये सब नाम सुनोगे आपको। ये सब क्या है, हम समझना है, रटना नहीं है, हम खाली परिभाषा रटा नहीं रहे हो, आपको समझा रहे हैं, ये आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अभी आपको हम बता रहे थे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को तीन भाग में बांटे थे, आप बता रहे हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। इसमें एक आता है बेटा आपको कि इसमें आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था, समझिएगा आप लोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के मतलब समझते हैं, इनकम करने का आपको अर्थ की व्यवस्था, अर्थ माने धन, धन की व्यवस्था करने के तौर तरीके। अब मिश्रित किसको कहेंगे, हमारे देश में क्या आपको जितने भी जिससे इनकम करते हैं, अब जैसे फैक्ट्री है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर प्राइवेट फैक्ट्री भी हैं और सरकारी भी हैं, दोनों से इनकम किया जा सकता है, दोनों आपको दोनों से इनकम किया जा सकता है, होगा कि नहीं। कोई भी फैक्ट्री खोलता है या उद्योग खोलता है किसके लिए, इनकम के लिए, आपको पता होगा। तो सरकार का भी उद्योग है, तो सरकार का जो फैक्ट्री है या सरकार के अंडर में जो संस्था है उसको सार्वजनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सार्वजनिक, याद रखिएगा। तो सार्वजनिक किसको कहे, समझ गए, जो सरकार के अंडर में है, सरकार उसको संचालित करती है पूर्ण रूप से, वो हो गया सार्वजनिक संस्था। और ध्यान देंगे जो प्राइवेट होता है, जो
जो प्राइवेट आदमी का भी फैक्ट्री होता है उसको बोलते हैं निजी संस्था, निजी। तो सार्वजनिक और निजी समझ गए होंगे, हमको समझ इसमें कोई दो मत नहीं है। तो सार्वजनिक संस्था किसको कहेंगे, जो सरकार के द्वारा संचालित होता हो, और निजी किसको कहेंगे, जो कोई प्राइवेट आदमी के द्वारा, आपको ध्यान देंगे, आम पब्लिक के द्वारा संचालित होता हो उसको निजी संस्था कहते हैं। तो सार्वजनिक और निजी समझ गए होंगे। तो हमारे देश में दोनों प्रकार की संस्था है और दोनों से सरकार को इनकम होती है, होती है कि नहीं, तो ये भी तो अर्थव्यवस्था का स्रोत हो गया। तो इसके आधार पर आपको कहता है कि यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था का परिभाषा बता रहे हैं कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों का योगदान हो। बात समझिएगा, मिश्रित यानी मिला करके देंगे। यहाँ पर हमारे देश में जो सरकार को इनकम हो रही हैं वो सरकारी संस्था से भी हो रही हैं और निजी संस्था से भी, मतलब दोनों मिलाकर हो रही हैं, मिश्रित है। तो ये क्लियर हो गया कि वैसी अर्थव्यवस्था देंगे जिसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो, दोनों का एग्जिस्टेंस हो, दोनों का बोलवाला हो, देंगे दोनों का अस्तित्व हो, वैसे अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो कोई पूछे कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्लियर। एक होता है बेटा आपका बंद अर्थव्यवस्था, बंद आपका एक होता है बंद अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है खुली अर्थव्यवस्था, खुली खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था मतलब उस देश की, हर एक देश का अर्थव्यवस्था होता है, अर्थव्यवस्था बता चुके हैं कोई खास क्षेत्र का होता है, खास क्षेत्र में आपका गांव भी हो सकता है, आपका राज्य भी हो सकता है, आपका देश भी हो सकता है। क्लियर। आपका पंचायत भी हो सकता है। अर्थव्यवस्था किसका होता है, कोई खास क्षेत्र का, जो शुरू में बताए। तो गौर करेंगे, मेरा कहना है कि बंद अर्थव्यवस्था देंगे उस देश की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है जहां पर आयात और निर्यात दोनों बंद हो, जहां पर आयात निर्यात नहीं होता हो। माने अपने निर्यात मतलब अपने यहां से दूसरी जगह सामान भेजना, आयात मतलब दूसरा जगह से अपने यहां सामान मंगवाना। तो वैसे देश की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसमें न आयात होता हो न निर्यात होता हो, उसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। क्लियर। इसमें कोई लफड़ा, कोई ऐसा देश है जहाँ आयात निर्यात नहीं करता हो तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। माने इनकम का कोई स्रोत नहीं। इनकम कब होता है, जब आयात और निर्यात होती हैं, जहाँ उम्मीद है देंगे। अब रहा खुली अर्थव्यवस्था, तब समझ गए होंगे एक लगाओ एक फ्री पाओ, देंगे बाई वन गेट वन, ये अगर समझ गए होंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब रहा खुली अर्थव्यवस्था, तो वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर उस वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात तथा निर्यात दोनों होता हो, वैसे देश की अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। क्लियर। देंगे जिस देश, हाँ जिस देश में आपको आयात निर्यात होता है देंगे उसको कहते हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, और जिस देश में आयात निर्यात नहीं होता है उस देश की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर। हम तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज यहीं पर हम छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।